अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वेटरनरी इन्फो। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुर्गियों की बीमारी रानीखेत के मुतल्लिक। रानीखेत की वैक्सीन, इलाज और कुछ एहतियाती तदाबीर बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मुर्गियों को वैक्सीन टाइम पर करवाएँ ताकि बीमारी आने से पहले ही बचाया जा सके। बाज़ार से रानीखेत के नाम से आसानी से वैक्सीन दस्तियाब होती है, आपको आसानी से मिल जाती है। वैक्सीन का तरीका इस्तेमाल बताते हैं। बाज़ार से लाते वक्त आपने वैक्सीन को धूप से बचाना है। वैक्सीन के साथ बर्फ़ लाजमी होनी चाहिए ताकि उसे ख़राब होने से बचाया जा सके। तो सबसे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपने 5 लीटर पानी उबाल लेना है और उसे नीम गर्म कर लेना है। इसके बाद इसमें वैक्सीन हल कर देनी है। वैक्सीन पिलाने से 2-3 घंटे पहले अपने परिंदों का पानी बंद कर दें ताकि जब इनके सामने वैक्सीन का पानी रखा जाए तो वो फौरन पी लें। वैक्सीन तैयार करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर परिंदों को वैक्सीन पिला दें। इसके बाद पानी ज़ाया कर दें। वैक्सीन देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपका परिंदा बीमार तो नहीं। बीमार परिंदे को अलहदा कर दें, उसे वैक्सीन ना करें बल्कि उसकी ट्रीटमेंट करें। अगर परिंदे को रानीखेत हो जाता है तो उसका इलाज और कुछ एहतियाती तदाबीर बताते हैं। उसको गर्म जगह पर रखें, सख्त खुराक बंद कर दें। नीम खुराक यानी नरम खुराक उनको दें। रानीखेत एक लाइलाज और तबाकुन बीमारी है। कुछ देसी और अंग्रेज़ी दवाइयां इस बीमारी में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। इसके लिए जैतून के तेल में 1 cc हल्दी मिलाकर सुबह शाम पिलाएँ। फ्लैजल सिरप वो आप उसको 0.5 cc पिलाएँ। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएँ। इंजेक्शन आपको रेजियोमाइसिन 7-8 घंटे बाद उनको 0.5 cc पिलाएँ। आप 0.5 cc लगा भी सकते हैं। इंशाल्लाह 4-5 दिन में आपका परिंदा ठीक हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ और दूसरे किसान भाइयों के साथ लाजमी शेयर किया करें। दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।